अभी हम लोग वर्ण प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में वर्ण प्रकरण जो है, वर्ण को हम लोग ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि यह वह विद्या है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसको यदि हम परिभाषित करते हैं तो लिखा जाता है कि वर्ण वह सार्थक मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता। इसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अर्थात अक्षर में तीन वर्ण आया है, अ और क्षर। अ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है नाश, यानी कि जिसका कभी भी नाश न हो, जिसका कभी नाश नहीं हो, उसे हम अक्षर कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वह सार्थक मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता, इसे हम अक्षर भी कहते हैं। न क्षर इति अक्षर, यानी कि जिसका कभी नाश नहीं हो उसे हम अक्षर कहते हैं। इसे हम वर्ण कहें या अक्षर कहें, दोनों एक ही बात है। इसे हम वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। अब वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यदि हम स्वर वर्ण की चर्चा करें तो स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। यह वैसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वतः हो जाता है, जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण विशेष की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अ, यदि हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यदि हम क का उच्चारण करते हैं तो क के उच्चारण में अवर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क को हम स्वर वर्ण नहीं कह सकते, हम अ को स्वर वर्ण कहेंगे, आ को स्वर वर्ण कहेंगे, ह्रस्व ई को, दीर्घ ई को, ह्रस्व उ को, दीर्घ उ को हम स्वर वर्ण की संज्ञा देते हैं। अब प्रश्न है कि स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद बताए गए हैं हमारे व्याकरण शास्त्र में, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। अब प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है? तो कहता है जिसके उच्चारण में, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में, जिसके उच्चारण में हमारी वागेंद्रियां, हमारी वागेंद्रियां अल्प श्रम में ही वर्णों का उच्चारण कर दें तो उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अब देखिए कहता है कि ह्रस्व स्वर वर्ण यह वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में हमारे शरीर के अंदर जो वागेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हमारी वागेंद्रियों को कम श्रम करना पड़ता है, इसलिए इसे ह्रस्व वर्ण की संज्ञा दी गई। ह्रस्व वर्ण की संज्ञा क्यों दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि इसके उच्चारण में हमारे जो बोलने वाले यंत्र हैं, हमारे जो मुख हैं, नासिकाएं हैं,
या कंठ आदि जो उच्चारण करने वाले यंत्र हैं, जो वागिंद्रियां हैं, वह अल्प काम करती हैं, यानी कि केवल एक मात्रा का ही समय का प्रयोग करना पड़ता है और इन वर्णों का उच्चारण हो जाता है, इसलिए इसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर वर्णों की कुल संख्या चार है। इसमें अ आता है, ह्रस्व ई की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा और ए, अ ई ऊ ए, ये चार वर्ण हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जिसके उच्चारण में हमारी वागिंद्रियां अल्प श्रम में ही वर्णों का उच्चारण कर दे तो उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण की संज्ञा देते हैं, इसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या चार है, अ छोटी ई, छोटा उ और ए, यानी कि अ ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ए। अब हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण, लेकिन दीर्घ स्वर वर्ण का भी एक उपभेद है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जो फिर बताएंगे। दीर्घ स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी वागिंद्रियों को अधिक श्रम करना पड़े उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या सात है, यानी कि सात दीर्घ स्वर होते हैं, आ दीर्घ ई, दीर्घ ओ, दीर्घ ए, ओ औ एवं री। ये कुल सात जो वर्ण हैं ये दीर्घ स्वर वर्ण में आते हैं। अब इसके बाद जो प्लुत स्वर वर्ण है और व्यंजन स्वर वर्ण है, अगली कक्षा में आपको जानकारी दी जाएगी। आपको जानकारी होना चाहिए कि यह जो व्याकरण है यह पांचवी क्लास से लेकर के नौवीं क्लास तक के छात्रों के लिए अनिवार्य है, इसलिए पांचवी क्लास से लेकर के नौवीं क्लास तक के सभी बच्चे इस व्याकरण को पढ़कर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।